आज हम लोग विंडमेयर घूमने वाले हैं, तो अभी क्रूज के सामने ही है एकदम। क्या सुंदर लग रहा है भाई, ये देखो ये है ट्रेन इंजन। इट वॉज अ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, ये देखो यहाँ पर बारिश हो रहा है, यहाँ पर सिटी का व्यू भी मिल रहा है। Hey guys, welcome back to my new vlog. So, आज हम लोग विंडमेयर घूमने वाले हैं, आप लोगों को दिखाने वाले हैं। आज फाइनली यहाँ पर थोड़ा कोल्ड वेदर है तो स्वेटर डाला, मतलब जैकेट डाला, वरना तो भाई मतलब बेकार हो जाता। इतना जैकेट ले आया था मैं, तो 6-7 जैकेट ले आया था और आज पहली मतलब जैकेट मैंने डाला। यहाँ पर वेदर थोड़ा ठंडा ठंडा है तो इसीलिए पहन लिया भाई। अभी बस आ गया, आज लेट निकल रहे हैं, आज करीबन 9:45 बज रहा है, अभी जाके निकल रहे हैं और घूमेंगे, बहुत सारा मज़ा होगा। यहाँ पर एक बोट राइड होने वाला है, लेक डिस्ट्रिक्ट बोला ना इसको, तो यहाँ पर बोट राइड होने वाला है, वो आप लोगों को दिखाएंगे। चलो लेट्स गो, बिना देरी के निकलते हैं। तो गाइस अभी उतर गया है और अभी यहाँ पर बोट राइड में जाने वाला है। वेदर बहुत ही सुंदर है, एकदम सुंदर वाला वेदर है, ना ठंड ना गर्म, बहुत ही अच्छा वाला वेदर, प्लीजेंट वाला वेदर है। एक जैकेट डाल लो तो अच्छा वेदर है, और कुछ नहीं मतलब इशू हो रहा। तो अभी क्रूज़ के सामने ही है एकदम, ये वाला क्रूज़ है और कुछ वेदर ऐसा है। हेलो थैंक यू, थैंक यू। तो कुछ वेदर ऐसा है और तो बढ़िया है। अभी क्रूज़ के ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर आ रहा है, ये इंजन नॉइस। तो यहाँ पर हवा भी बहुत तेज़ का चल रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पर व्यू दिखाते हैं, आप लोग देखो एंजॉय करो ये पैनोरामिक व्यू। सो गाइज अभी हम लोग एक अलग स्टॉप में रुके हैं, यहाँ पर ट्रेन राइड भी आज होगा सुना, यहीं पर अभी जस्ट ठीक हुआ क्योंकि यहाँ पर एक सामने ट्रेन है, तो यहाँ पर ट्रेन राइड भी ठीक हुआ। उसके साथ साथ अभी यहाँ पर घूमेंगे, मस्त मज़ा आ रहा है अभी। ऐसा है जगह, क्या सुंदर लग रहा है भाई, मतलब ये व्यू बहुत ही मस्त है। यहाँ पर एक होटल भी है, ये देखो सामने मस्त व्यू है। और ये इसमें ना मतलब जो भी मेंटल प्रेशर वगैरह जो भी रहता है सब पूरा निकल जाता है ये सब पहाड़ों के साइड आके। यहाँ पर तो और एक मज़ा आ रहा है कि पहाड़ के साथ साथ बीच में लेक भाई, ये देखो ना ये कुछ अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। ये देखो यहाँ पर एक ट्रेन का ये सब है और यहाँ पर मम्मी पापा बैठे हैं और यहाँ पर उतरे हैं। यहाँ पर ट्रेन राइड होने का प्लान था अभी, पर अभी फ़िलहाल के लिए कैंसिल हुआ। लंच के बाद आई गेस एक ट्रेन राइड होगा। अभी फ़िलहाल के लिए बोट से वापस जा रहे हैं कहीं और, वहाँ से और एक अलग ट्रेन राइड है वो करने वाले हैं आई गेस सो। बाकी फ़िलहाल के लिए अभी बोट डिपार्ट कर रहा है, वो देखो बुलावा भी आ गया, ब्लॉक कर रहा था एंड में ब्लॉक कर रहा था, अभी बुलावा भी आ गया तो जाना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा तो चलते हैं। सो अभी क्रूज़ में बैठ चुके हैं और अंदर बैठे हैं, अभी बाहर नहीं बैठे हैं, वहाँ पर बहुत ही ज़ोर का हवा चल रहा है तो अंदर बैठे हैं। और यहाँ पर गाइज वो क्लिप देखे, उसके बाद गया लंच करने, लंच करने के बाद आए हैं ट्रेन जो बोला था वो ट्रेन जर्नी लेने। ये पूरा यहाँ पर पूरा दार्जिलिंग वाला फील आ रहा है, ये देखो ऐसा ट्रेन है और छोटा सा बड़ा बड़ा नहीं, यहाँ पर बैठेंगे और मज़ा आएगा अभी। ये देखो ये है ट्रेन इंजन, सो गाइज अभी ट्रेन में बैठ चुके हैं और सीट में बैठ चुके हैं, ये देखो ठीक है सर, मम्मी पापा वहाँ पर बैठे हैं, कुछ ऐसा व्यू है। ट्रेन चालू होगा कुछ ही मिनटों में, चालू हो जाएगा कुछ ही मिनटों में। व्यू मस्त है, व्यू मस्त है।
I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking गाइज, स्टीम इंजन का जो राइड था ना, ये ट्रेन राइड नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। वीडियोस इतने अच्छे अच्छे आए ना, फ़ोन में भी 2-3 वीडियो किया, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। इट वाज अ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, नेक्स्ट लेवल। मतलब यहाँ पर भी अगर आ रहे हो, मतलब विन में, तो आई विल सजेस्ट यू टू टेक अ राइड ऑन दिस ट्रेन, लेना चाहिए भाई। ये देखो, ये है होटल, वो वाला होटल है। आज 5 बजे के अंदर होटल पहुंच गए, यहाँ का 5 बजे। तो दिन में आज होटल पहुंच गए, बहुत ही पहले पहुंच गए, वरना हर दिन तो भाई 10, 11, 9:30 ऐसे टाइम में पहुंच रहे थे। आज ज़्यादा पहले पहुंच गए तो रेस्ट मिलेगा शरीर को। और ये कुछ होटल है हम लोगों का, कैसल ग्रीन होटल। ये कुछ यहाँ का व्यू पॉइंट, एकदम पहाड़ के ऊपर होटल है। तो हमारे रूम से भी बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है, आप लोगों को जाके दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए चलो अभी होटल में रूम में जाते हैं। सो अभी डिनर करने के लिए निकल रहे हैं, ऊपर गए थे और फ्रेश हुए, फिर से जैकेट, ये सेम टी शर्ट डाला। फिर मैंने सोचा फ्रेश होने का मतलब ही क्या था, फिर सोचा कि आके नहा लेंगे, उसके बाद पूरा फ्रेश हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है और हम लोग वॉक करके जा रहे हैं नीचे होटल के नीचे पार्किंग में, वहाँ से गाड़ी में बैठेंगे और जाएंगे डिनर करने के लिए। डिनर करने के बाद वापस होटल आके सो जाएंगे। ये देखो, यहाँ पर बारिश हो रहा है, यहाँ पर सिटी का व्यू भी मिल रहा है और कुछ ऐसा है व्यू, देखो। तो गाइस, आप लोगों ने वो क्लिप देखा, उसके बाद भयंकर वाला बारिश होने स्टार्ट हो गया। मतलब उस टाइम तो सिर्फ बूंदे गिर रहे थे थोड़ा, और उसके बाद भयंकर वाला बारिश स्टार्ट हो गया, इसलिए भाई व्लॉग नहीं किया। मतलब मैं भगवान करे भाई कैमरा नहीं ले गया था, मतलब वरना कैमरा जाता, पूरा जाता, इतना जोर का बारिश हो रहा था। तो फ़ोन तो वाटरप्रूफ था, तो फ़ोन उतना कुछ हुआ नहीं, बाकी सब कुछ बढ़िया, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा देखने को, क्योंकि मेरे को ये सबसे अच्छा लगा। मतलब ये शहर इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, क्या ही बताए भाई, पीसफुल जगह है एकदम, मेरे को पसंद आया बहुत। तो शायद से आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। मिलेंगे आप लोगों को बहुत ही जल्द अगले वाले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, विल बी मीटिंग यू वेरी 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 सून, बाय बाय।